ये बहू ये होती है, चाहे तो घर को जन्नत बना दे और चाहे तो जहन्नुम। मेरी मुंतहा ने तो मेरे घर को जन्नत बना दिया, जन्नत। अलीश बने जहन्नुम। मुझे तो तू धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सारा हिसाब लिखा होता है। तेरा बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, अपने वक्त का इंतजार कर। अब जब मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ तो आप बिल्कुल ही बदल गए। अब तुम्हारे बदलने का क्या फायदा अलिशबा, जब सब कुछ जल के राख हो चुका है। दोस्ती के लिए हाथ भी खुद ही बढ़ाओ और खुद ही झटक दो। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कब कहा मैंने? तुम उसे छत पे नहीं मिला करती थी, बोलो। ये बताओ वो छत पे आया और साथ ही मुंतहा ऊपर आ गई? तुम बताओ मानव, बताओ मुझे। अबू, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। भाभी को हमने छत पर भेजा था। मुझे नहीं पता, ये सब कुछ सानिया की प्लानिंग है, आप इससे पूछें। कैसी प्लानिंग, क्या प्लानिंग है? सब कुछ भी नहीं है, मानो झूठ बोल रही है। मानो तुम मेरी ही बेटी हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खालिद आखिर किया क्या है मेरी बच्ची ने, मुझे बताएं तो सही। ये बच्ची आपकी, ये आपकी बच्ची ना, मेरा घर तोड़ने की कोशिश करती रही अम्मी, और पहली दफा नहीं है ये, इससे पहले भी। पूछे इससे कौन था वो लड़का जिसको इसने रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और अचानक वहां से गायब हो गई और इल्जाम डाल दिया बेचारी मुंतहा पे। मैंने भी इसकी बातों में आके उसको सच समझ बैठा। बताओ तुम ये क्या करती फिर रही हो सानिया के कहने पर? ये कोई दूध पीती बच्ची है जो सानिया के कहने में आएगी? अब तो दिमाग नहीं है इसका। मैं वो ये खुद भी कम नहीं अम्मी। मानो बताओ सबको उस लड़के के बारे में। क्या मैं अब जबान क्यों नहीं चल रही तुम्हारी? वैसे तो बहुत चलती है। बताओ मुझे कौन है वो लड़का, बोलो। मेरा दोस्त है, मुझसे शादी करना चाहता है। ले ये सुन ले, देख ली अपनी बेटी की हरकतें? ये तरबियत की है तुमने बच्ची, ये तरबियत की है। इससे तो मैं बाद में समझ लूंगी, फिलहाल तो तुम जाओ मुंतहा के पास। किस मुंह से जाऊं अम्मी, इतनी बातें सुनाई है मैंने उसको, मैंने बहुत गलत कहा है उसको। क्या क्या मुंह लेके, क्या मतलब यही मुंह लेके जाओ? अब है क्या तुम्हारे पास? अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें माफ कर देगी, वरना सारी जिंदगी हाथ मलते रह जा रहा तुम। तुमने हाँ मुंतहा के सामने मेरा सर झुका दिया। जानती हूँ नेक औरत पर इल्जाम लगाने की सजा
उसके पैर पड़ जाना, माफी मांगो उससे, अल्लाह करे वो माफ कर दे। तेरी तरबियत को गाली दी है तुमने, गाली। अरे तुम देखती नहीं रही सारी जिंदगी किस तरह से उसने इस घर के लिए कितनी मेहनत की, किस तरह से इस घर को जोड़े रखा। खालिद की बीमारी में, दुकान के वक्त उसने किस तरह से हमारी मदद की, किस तरह से वो अपना आप भूल कर किचन में काम करती रही। बहुत बुरा किया तुमने, तुमने अच्छा नहीं किया मानो। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दे मेरे खुदा। मुंता, ये क्या कर रही हो तुम? अपना वादा निभा रही हूँ। कौन सा वादा? वही जो किया था आपसे कि जिस दिन अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी उस दिन एक पल नहीं रुकूंगी। तो मैं शर्मिंदा हूं तुम्हारे आगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी शर्मिंदगी और माफी की आजियत की है वो पल मेरी जिंदगी में वापस ला सकते हैं जो आपकी बदगुमानियों में गुजारे हैं मैंने। सारे लम्हात सारी अजियत जो मैंने तुम्हें दी उसका अजाला कर दूंगा यार, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत ज्यादती करती है आपने यार मेरे साथ, बहुत ज्यादती। मैं बहुत फालतू थी ना आपके लिए। सही गलत का फैसला किए बगैर धुतकारे जा रहे थे मुझे, और आपको लगता था कि मैं तब भी अपनी मोहब्बत की भीख आपके आगे मांगती रहूंगी, है ना? नहीं यार, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया यार, आपकी बदतमीजी बुरे लहजे रही आपके साथ, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकी कि आप मेरी मोहब्बत पर शक करेंगे। मैं प्यार करती थी आपसे, लेकिन इज्जत से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। औरत को एक हद तक आजमाना चाहिए, जब हदें पूरी हो जाती है ना तो दरमियान में कुछ बचता नहीं आया। मेरे आपके दरमियान कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। बुरा किया मानो तुमने, आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, प्यार मोहब्बत तवज्जो का बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसी बात हो जो हम दोनों ने तुम्हारी टाली हो, लेकिन और तुमने हमारे घर की इज्जत को इस तरह से अच्छा नहीं किया। Thank you.
कोई गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। मानो मानो तुम रोक लो अपनी भाभी को खुदा के पास। भाभी प्लीज मत जाए। खालिद आप रोक ले मुंतहा को, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी बात नहीं टालेगी, आप रोकेंगे तो रुक जाएगी वो। जाने दो, उसकी भी अन्ना है ना, उसको हक है हमसे, कभी कभी तो नाराज हो सकती है। खालिद आप मुंतहा नयान कोई अपने साथ इतना बुरा भी कर सकता है? नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आयान, आयान, तुम रोकोगे तो रुक जाएगी मुंतहा खुदा के पास। खालिद आप मेरी बात मान ले, अब रोक ले मुंतहा को, वो जा रही है, खालिद उसे रोक ले। मानो मानो उसके पैर पड़ जाओ, मानो मुंतहा। तुम ये क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो यहाँ से? तुम तो मुझे समझाया करती थी ना, आज खुद वही हरकत कर रही हो। देखो अब तो सारी बदगुमानियां दूर हो गई हैं। अयान भाई कितना शर्मिंदा है, और सानिया और मानो ने भी तुमसे माफी मांग लिया ना, तो क्यों जा रही हो तुम? देखो ये घर बसाने के लिए तुमने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की है, इसको छोड़कर ऐसे ही चली जाओगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। प्लीज मुंतहा मत जाओ। देखो मुंतहा तुम मुझसे कुछ सबक सीखो, अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से आज मैं कहां से कहां आकर खड़ी हूं। यासिर का दिल जीतने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तुमने तो सबके दिल जीत लिए ना। प्लीज मत जाओ मुंतहा। चले बाबा। हाँ बेटा। मुंतहा, आजो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा, क्या हुआ मुंतहा? बेटा इस तरह फोन करके अपने बाबा को क्यों बुलाया था? सब ठीक तो है ना? पहले इसे आराम से बैठ तो जाने दो, फिर बात कर लेना। अजीब सी बात कर रहा है, जब से आप गए मेरी सांस रुकी हुई है।
अच्छा एक काम करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद आराम से बात करते हैं। सब खाने का सोच रहे हैं, हुआ क्या है? मुझे शायद इस तरह बाबा को कॉल करके नहीं बुलाना चाहिए था ना अम्मी। ऐसी बात नहीं है बेटा, बच्चियों की शादी के बाद उनके माँ बाप से, उनके घर से उनका ताल्लुक खत्म थोड़ी हो जाता है। हाँ लेकिन मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा बच्चा, तुम्हारी इतनी समझदार, इतनी बहुत बार बेटी फोन करके इस तरह बुलाएगी, परेशान तो हो जाऊंगी ना। कोई बात नहीं मुमता, छोड़ो अपनी अम्मी को, तुम ऐसा करो बेटा फ्रेश हो जाओ ठीक है, उसके बाद हम खाना खाते हैं, मैं खाना भी लगाता हूँ, खाने के बाद तुम्हारे हाथ की कॉफी पीऊंगा, बहुत ही दिल कर रहा है, हम आराम से बात करेंगे। बच्चा जाओ ऊपर जाओ। मैं बैग लेकर आता हूँ तुम्हारा। कमाल कर रही हो तुम, इतनी मुश्किल से आए हैं, मुझे पता ही नहीं, और तुम उसे परेशान किए जा रहे हो बजाय उसकी हमदर्दी करने के। क्या करूं, जब बेटियां इस तरह घर आती हैं ना, माँ के दिल में क्या वसवसे उठते हैं आपको नहीं पता। कोई बात तो है, पता नहीं क्या बात हुई है, वरना वो कभी इस तरह से नहीं आती। तो आप उसके ससुराल फोन करके पूछे ना, बल्कि आयान से पूछे। अब पूछ लूंगा आयान से, पहले मुंतहा से बात तो कर लूं मैं। मैं बैग छोड़ के आ रहा हूँ। अयान क्या हुआ आपको, आप खफा हैं मुझसे? जाहिर सी बात है, तो क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए, लेकिन बात क्या है? तुम्हें वाकई नहीं पता मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? हाँ यार मुझे नहीं पता, जब भी तो पूछ रही हूँ आपसे। फोन कहाँ है तुम्हारा? बैग में। सुबह से मैं तुम्हें इतनी कॉल्स करती हूँ, तुमने कॉल रिसीव करना तो दूर की बात, तुमने रिप्लाई तक नहीं किया। माना कि तुम काम कर रही हो, ऑफिस में होती हो, और मैं फारिग बेकार घर पे बैठा होता हूँ, लेकिन एक रिप्लाई तो बंदा कर देता है। नहीं अयान ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आज बहुत बिजी डे था, और आपको पता है फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, इतनी मीटिंग थी, और ये अलिशबा हर वक्त मुझे फोन करती रहती, मुझे लगा वो कॉल कर रही है मुझे। बस कर दो यार, दिन में एक बार तो इंसान अपना फोन चेक कर ही लेता। अच्छा बताएं क्या बात थी? कुछ नहीं अयान। अच्छा आई एम सॉरी, मैं कभी आपका फोन इग्नोर नहीं कर। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी फोन देती हूँ, आप उस पर कोई और रिंगटोन डालें ताकि वो आपकी रिंगटोन हो, और जब आप फोन करें तो मुझे पता हो मैं अलिशबा का फोन ना समझूं। ठीक। अच्छा आप तो बता दें क्या बात थी। मिस कर रहा था यार तुम्हें, मैंने सोचा कि तुम्हें ऑफिस से पिक करता हूँ, हम कहीं बाहर लंच करते कि तुमने फोन ही नहीं उठाया। अच्छा ना सुने, आप मुझे कल लेने आओ, हम कल लंच करेंगे ठीक है? नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्या यार आप कितने मूडी हैं, पल में तोला पल में माशा। मुझे पता है कल आप आएंगे मुझे लेने के लिए, और हम लंच भी करेंगे। इतना जानती हूँ मुझे, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आपको। अच्छा ठीक है चल लेंगे, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद जब भी मैं तुम्हें फोन करूंगा ना, तुम मेरा फोन नहीं काटोगी, हमेशा फोन उठाओगी। सॉरी मैं कभी गलती नहीं करूंगी, और प्रॉमिस आपका फोन पहले उठाऊंगी। चाय बना के लाऊं आपके लिए? अभी तो आई हो, आराम कर लो थोड़ी देर। मैं
जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर उसके लिए मैं आपके और मुंतहा के आगे शर्मिंदा भी हूं। आप मुंतहा से बात कीजिए ना, उसे कहे कि मुझे माफ कर दे और घर वापस चले। बेटे अब आराम से तसल्ली से बताओ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम घर आ गई हो। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी अम्मी। अयान से अलहदा होने का फैसला कर लिया है मैंने और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुंतहा बेटा क्या मतलब इस बात का? अम्मी मेरा यकीन करे, मैंने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है लेकिन अब बस। अब मुझसे नहीं हो रहा। तो जानना चाह रही हूँ बेटा, ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा फैसला ले लिया? मियाँ बीवी का रिश्ता ना अम्मी, भरोसे और अतबार की डोर से बंधा होता है ना, और जब शक बीच में आ जाए तो रिश्ता बेबुनियाद हो जाता है, फिर बदगुमानियों के अलावा कुछ बचता नहीं है। मैं समझ सकता हूं, इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है मुंतहा। और आपको भरोसा होना चाहिए मुझ पर अम्मी कि अगर मैं कोई फैसला करूंगी तो वो ठीक करूंगी। और यही मेरा आखिरी फैसला है। आप आयान से पूछे ना कि क्या हुआ है। मेरी बेटी इतनी जज्बाती और ना समझ नहीं है कि किसी छोटी सी बात पे वो घर छोड़ के आ जाए और इतना बड़ा फैसला करे। यकीनन वजह कोई बड़ी होगी तभी वो इस नच पे पहुंची है। लेकिन बस अनिला, बस आज तक हमने हमेशा अपने फैसले उस पे ठूंसे, अब कर लेने दो उसको अपने दिल की। हद कर दी लड़कियों ने, कोई अपने घर की इज्जत पे इस तरह इल्जाम लगाता है। वो तो उस लड़की का जर्फ है कि उसने खामोशी से बर्दाश्त कर लिया। मगर कब तक? जिस रोज से इस घर में आई है वो ऐसे ही सलूक हो रहा है उसके साथ, कब तक बर्दाश्त करेगी वो? ये सिलसिला तो शुरू मैंने ही किया था लेकिन मजाल है उसके माथे पर कभी शिकन तक आई हो। कदर नहीं की हमने उसकी, किस्मत से एक हीरा हाथ लग गया था ना, बजाय इसके कि मुट्ठी में संभाल के रख दे मिट्टी में रोल दिया उसको। चिसानी और मानो की बातों में आने नहीं चाहिए था, बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब हाँ तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते ना, जिसने जो कहा तुमने मान ली। तब मैं अपनी गलती तस्लीम कर तो रहा हूं, मैं माफी भी मांगना चाहता हूं लेकिन कैसे? मुंतहा को मैंने फोन किया था, उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। हाँ तो बेकार पड़ी भी है ना, जब गले लगाओगे गले लग जाएगी वो, जब धुतकारोगे तो बस वो सर तरतीब खत्म कर लेगी। अच्छा ठीक है, मुझसे एक वादा करो, आइंदा कभी उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं तायबा, अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, कल सुबह चलते हैं उनके यहां। इससे पहले वो दफ्तर जाए हम उसे मना के घर ले आएंगे। इंशाल्लाह ठीक है।
भाई, आयान भाई, आयान भाई उठे। क्या हो गया है? अम्मी कब से आपको आवाजें दे रही हैं? उठे चल के नाश्ता कर लें। क्या हो गया मानो, सुबह ही सुबह क्यों उठा रही हो? अरे उठ रहा हूँ। सुबह नहीं दोपहर हो गई है भाई, अम्मी कब से आपको बुला रही नाश्ते के लिए, चल के नाश्ता कर ले फिर आपको जाना है। तुम जाओ मैं आता हूँ। और ये आपने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है, जब भाभी थी ना तो कमरा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ना तुम जाओ। कपड़े से हो रहे ऐसे मुंथा, जितनी अच्छी शर्ट की क्रीज तुम बनाती हो ना, मैंने अपने किसी दोस्त की नहीं देखी। बल्कि कुछ दोस्त तो उल्टा करते हैं, अपनी बीवियों के कपड़े भी प्रेस करते हैं। क्या? तो फिर तो आपको इस तरह मेरी कदर करनी चाहिए। तो क्या नहीं करता? मैंने ऐसे कब कहा? एक तो यार तुम्हारी ये जो लाइन है ना, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने कैसा कब कहा। अच्छा भाई नहीं कहा तुमने ऐसा, मेरी गलती थी। चलो बस अब तैयार हो जाओ, दुकान जाते हुए मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। अब नहीं यार, मुझे ना थोड़ा वक्त लग जाएगा, अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? एक शर्ट पहन के जानी है, प्रेस कर तो दी, पर तुम्हें तैयार होने में कौन सा इतना टाइम लगता है? नहीं यार मैं कर लेती हूँ, मेरे लिए सहूलत हो जाती है ना, हफ्ते के हफ्ते मेरी छुट्टी हो जाती है। इस एक सहूलत के लिए तुम मेरी इतनी सारी शर्ट्स प्रेस करोगी, फिर घर के काम करोगी, फिर नहाओगी, फिर ऑफिस जाओगी, थकती नहीं हूँ? घर के कामों से शायद मैं थक जाती हूँ, लेकिन आपके काम से मैं कभी नहीं थकती, मुझे मजा आता है। एक ही दिल है मेरे पास, कितनी बार जीतोगी? मुझे सिर्फ दिल नहीं चाहिए ना यार, मुझे तो पूरा का पूरा आयान चाहिए, सिर्फ मेरा। जाए देर हो जाएगी आपको, शायद धोगी तो चेंज करूंगा ना। अच्छा अपनी नादानियों और बेवकूफियों से तुम जैसी ख्याल रखने वाली, इतना प्यार करने वाली बीवी को गवा दिया। मुंता तैयार हो गई है तो उसे कहो मैं ऑफिस जाते हुए उसे छोड़ देता हूँ, नाश्ता कर लो। जी बस अभी मेरे साथ नाश्ता बनवा कर ऊपर तैयार होने गई है। बड़ी समझदार बच्ची हमारी, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे यकीन है अल्लाह ताला उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस वक्त कौन आ गया है? मैं देखता हूँ। जी बैठे सरमत भाई। जी बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। नवाज़ हमने सोचा कि आप दोनों के दफ्तर जाने से पहले ही आपसे मिल लिया जाए, शाम को जरा देर हो जाती है। मैं इस नाहक आपको जहमत देने के लिए माजरत खा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सरमत भाई, आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आ सकते हैं। अभी सर झुकाए क्यों बैठे हो, माफी मांगो। कल मैं आपके और मुंतहा के आगे बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे माफ कर दें। बाज अवकात बच्चों की हरकतों की वजह से बुजुर्गों को भी सर झुकाना पड़ जाता है। सरमत भाई ऐसी बात नहीं है, आप हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, काबिल एहतराम है, मोहतरम है। अल्लाह ना करे कि कभी उसकी जात के सिवा आपका सर किसी और के सामने झुके। जी हाँ मैं जानता हूँ, मुंतहा भी बिल्कुल आप ही जैसी है, नरम तबीयत और बाल हास।
मोहब्बत है आपकी, लेकिन अलिशबा ने हमारा सर हमेशा आपके सामने झुकाया, शर्मिंदगी हुई है हमें। मैं इस वक्त अलिशबा की बात करने नहीं आया हूं। वो बच्ची भी अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रही है। मैं तो इस वक्त मुंतहा के सिलसिले में बात करने आया था आपसे। मुंतहा, रात सरमत भाई, रात बात की मैंने मुंतहा से, अभी वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए मैं आपके और मुंतहा के आगे शर्मिंदा भी हूं। आप मुंतहा से बात कीजिए ना, उसे कहें कि मुझे माफ कर दे और घर वापस चले। अंकल, मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज अंकल। लेकिन मैं अब इस बात के लिए तैयार नहीं हूं। बताओ। मैंने हमेशा इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। और ये बात आप सब जानते ही हैं। लेकिन मैं मुतमईन हूं क्योंकि मैंने कभी कोई इतनी सी भी कोताही नहीं की। मेरे पास वापस जाने की अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मुझे तुम्हारी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। मुझे यकीन है कि तुमने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। लेकिन ताहिबा, मेरे ख्याल में बेटा मुंतहा को थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा दार। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं बेटियों की आजादी राय का कायल जरूर हूं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाई साहब, आप बैठिए ना, आप चाय पी के जाइएगा। अरे बहन, आपके घर खाना खाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मुंतहा को यहां से लेके जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, चलो मीठा, इजाजत दीजिएगा। आइए। मुझे मालूम है वो नहीं आएगी। भाई, इन लड़कियों ने हरकतें ही ऐसी की हैं, क्यों आएगी भला वो? आ जाएगी, आ जाएगी। वो बहुत समझदार बच्ची है, वो अपना घर क्यों खराब करेगी? अरे, ये घरों को संभालना, जोड़ के रखना सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है भाई साहब। ये किस किताब में लिखा है? वैसे खालिद भाई, लड़कियों के इतने नखरे भी नहीं होने चाहिए। बस शीरी, तुम तो बोलो ही नहीं। तुमने कौन सी अच्छी तरबियत दे दी अपनी बेटी को? बस कर दे भाभी। आए,
ये लोग मिलने आए हैं आप लोगों से। अरे क्या खिचड़ी बना ली है भाई, मुझे तो कल ही बताया मेरी बेटी ने। देखिए बहन, हम ये चाहते हैं कि ये निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप, जल्द से जल्द निकाह? भाई मेरा इकलौता बेटा है और बहुत अरमान है मेरी इसकी शादी को लेकर। मैं तो बहू को बड़े धूमधाम से ब्याह कर लाऊंगी। तो क्या आप इस रिश्ते से राजी नहीं हैं? मैं कौन होती एतराज करने वाली, बस मुझे तो कहा गया कि यहाँ रिश्ता लेकर आना है, मैं आ गई। सुने मेरी आप, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारी बेटी हम पे बिल्कुल भारी नहीं। एक मिनट शरीम बात कर रहा हूं। देखिए बहन, हम इसलिए राजी हुए हैं कि घर की बात घर में रह जाए, अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं है। अम्मी ये आप क्या बोले जा रही, मैंने आपसे कहा भी था कि इन लोगों से सानिया के रिश्ते की बात करनी है। कोई तो कर रही, तो शादी की बात करो ना। कर रही हूं। अच्छा तो बताएं आप सब किस तरह से ब्याहना चाहते हैं अपनी बेटी को? आप क्या चाहती हैं? नहीं नहीं भाई साहब, मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा तो वही जो आप सब चाहेंगे। देखिए हम अपने घर में निकाह और रुख्सती करेंगे, आप कल अपने थोड़े से रिश्तेदारों को लेके आ जाइए खास खास, और सानिया को रुख्सत करा के ले जाइए। ठीक है भाई साहब, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा यही। तो बस फिर आप ऐसा करें कि कल तशरीफ ले आए और निकाह करा के ले जाए। कल? अब इतनी जल्दी कैसे होगा ये सब? देखिए आपने कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है हमने करना है, बस आप अपने चंद अजीजों को लेके आ जाइए और इसको लेके चले जाइए। इतनी जोर से मार रही हैं आप, तुम्हें तो और जोर से मारना चाहिए, जलील और शर्मिंदा करा दिया सबके सामने। तो मैंने आपसे कहा था उन लोगों को बुलाने के लिए। हमने कब बुलाया, तुम्ही ने मजबूर किया था। और नहीं तो क्या, हमने कभी उस औरत को मुंह नहीं लगाया, आज अपने साथ बिठाकर उसे इतनी सारी बातें सुनी। अच्छा बस कर दो बस श्रीनी, अब तुम इसे साथ ले जाओ और शादी का जोड़ा दिलाओ, निकाह है कल। कल? आप लोगों को क्या जल्दी है मेरी शादी की? क्या आप लोगों के सर पर बोझ हो गए जो उतार कर फेंकना चाहते हैं आप लोग मुझे? और शुक्र करो बीबी इज्जत से रुखसत हो रही हो, वरना जो हरकतें तुमने की है ना, ऐसी लड़कियां सारी जिंदगी मैके बैठी रहती हैं। ऊपर से अपने माँ बाप के लिए बदनामी का बाइस बनती हैं। बस कर दे भाभी, बदनामी तो ना दे। चलो भाई, खुद कुछ भी कहती फिरो, मैंने कह दिया तो इतना बुरा लग गया। वाह, अच्छा खैर छोड़ो, इतने काम पड़े हैं भाई, मेरी वैसे मुंतहा होती ना तो सब कुछ संभाल लेती। लेकिन यहाँ तो लड़कियों को बनने संवरने से ही फुर्सत नहीं है भाई, तौबा। अच्छा भाई ठीक है, ये भी अब मेरी मुंतहा हो गई, जब तक यहाँ थी तब तक तो जान अजा बना रखी थी आपने उसकी।